अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह 14 फरवरी के आज के जो कल की न्यूज़ हैं, लेकिन आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा करंट अफेयर जो है मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 19 बिगन इन कराची, ये जुमे वाले दिन कल स्टार्ट होने जा रही हैं और ये 5 दिन की मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज हैं और इनका नाम अमन 2019 है और 46 नेशंस हैं इसमें जो टेक पार्ट कर रही हैं। इन नेशंस के मुकम्मल कंप्लीट डिटेल हासिल नहीं हो सकी, लेकिन आपको ये बता दिया जाए ये एवरी 2 ईयर्स के बाद पाकिस्तान नेवी फोर्स कंडक्ट करती है और 2007 के बाद मुसलसल करती आ रही है। और इसमें मैरीटाइम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑपरेशनल कल्चर एंड कम अप विद द वेज एंड मीन्स टू कम्बाट कॉमन थ्रेट्स एट सी, ये मल्टीनेशनल ताकि अंडरस्टैंडिंग हासिल हो। इसके बाद आपको बता दिया गया कि पाकिस्तान नेवल नेवीज शिप्स सब मेराइन्स बोट्स मेराइन्स स्पेशल फोर्स विल टेक पार्ट इन एक्सरसाइज, और इसके साथ रेंजर भी इसमें टेक पार्ट करेगी, पाकिस्तान आर्मी भी करेगी। ये आपके कंसेप्ट में नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ही करेगी। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ थोड़े से अगर नॉलेज की तरफ से हम देखें तो इसका माटो क्या है, ऑफ कोर्स ऑफ करेज गॉड ग्रेस थ्रेट एट वेव्स, इसकी उर्दू बनती है यहाँ से हिम्मत का आलम अल्लाह का करम और कदम लहरों पे, ये उर्दू बन गई इनकी। अच्छा, इसके बाद हेडक्वार्टर की बात करें, नेवी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी इस्लामाबाद में है और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का नाम वाइस एडमिरल कलीम शौकत है। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की अगर बात करें तो हमारा अब जो मौजूदा है वो एडमिरल जफर महमूद अब्बासी है। और एयरफोर्स पाकिस्तान की बनी कब थी, 1947 में बनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि पाकिस्तान पीस SL जो 4 है वो स्टार्ट होने जा रहा है और 2019, तो इसको स्पॉन्सरशिप कौन कर रहे हैं, HBL कर रहा है PSL 4 को। इसके बाद थोड़ा सा और नॉलेज की यहाँ से बात डिस्कस कर लें तो ये मुसलसल कब से होता आ रहा है, 2015 से ये स्टार्ट है और अब ये जो मैचेस खेले जाएंगे ये 14 फरवरी, मतलब आज पहला मैच, आज से 17 मार्च तक ये मैच होंगे, टोटल 34 मैच होंगे। यहाँ पर अगर बात करें ये कब से, पहला फर्स्ट डिवीज़न 2016 को हुआ था, लेटेस्ट 2018 को है, नेक्स्ट जो अब हो रहा है 2019 वाला। और फिर बताया जा रहा है हमारे पास कि पहले टीम्स 5 थी लेकिन अब 6 है, मुल्तान सुल्तान भी इसमें शामिल है जो कि हमारी फेवरेट है क्योंकि मुल्तान के रहने वाले हैं ना। अच्छा, इसके बाद बात करें कि करंट चैंपियन जो है इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद ने 2 टाइटल जीते हैं, ठीक है। मोस्ट रनर किसके हैं, कामरान अकमल हैं जिसके 929 रन है। मोस्ट विकेट टेकर कौन है, बॉलर वहाब रियाज है। इसके बाद इस तरह के जो करंट अफेयर्स हैं, जो इस तरह के करंट पे हैं, इनको हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद कुछ MCQs भी हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो FB पे हमारा पेज भी पाकिस्तान वीकली नॉलेज के नाम से है, उसको लाइक करें ताकि वहाँ पर डेली के जो MCQs शेयर होते हैं उनको भी आप देख सकें और रीड कर सकें। When did Pakistan become the member of United Nation? कब बना था ये आपको पता है, ये लास्ट वाला ऑप्शन है, 30 सितंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था। और आपको जब यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने जा रहा था, पता है किसने अपोजिशन की थी, अपोजिट कौन था इसका पाकिस्तान का, अफगानिस्तान ने भी अपोजिशन दी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, फॉर हाउ मच रुपीज रंजीत सिंह सोल्ड द कश्मीर, कश्मीर को बेचा था रंजीत सिंह ने, किसको बेचा था, गुलाब सिंह को बेचा था और 75 लाख में बेचा था। रंजीत सिंह ने सेल किया कश्मीर किसको, गुलाब सिंह को, और 75 लाख में, ठीक है। हमारे पास करंट अफेयर 2-3 थे जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।